नमस्कार, नमस्कार। मैं अमित झा, मुझे आप जानते हैं धर्म शिक्षा चैनल के थ्रू। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं और एक एस्ट्रोलॉजर हूं, और ये मेरी धर्मपत्नी है प्रीति झा। इनका भी ज्योतिष का चैनल है, ये हिंदी लाइफस्टाइल नाम से चैनल चलाती हैं। ऐसे में इनका एक पहले से ही चैनल है जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, हेल्दी खाना के नाम से। लेकिन इस पे इनको कुछ खास सफलता नहीं मिली, कुकिंग का वीडियो डालती थी तो इन्होंने निर्णय लिया बेसिकली, और मुझसे भी निर्णय साझा किया कि क्यों ना जो नया बाबू है हमारा, इसका एक ब्लॉग चैनल इस चैनल को समर्पित कर दें और नियमित रूप से ब्लॉग के वीडियोस में हम डाला करें। साथ में इनका एक आइडिया मुझे बहुत ही पसंद आया। इन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारे बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका रिव्यू भी इस पे डाला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। आप देखेंगे डायपर ही कम से कम 50 कंपनियों के आ रहे हैं। अब हर तरह के कंपनियों के डायपर लोग यूज नहीं कर सकते, करते हैं कई बार स्किन के इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में इन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है, मुझे काफ़ी पसंद आया, कि डायपर्स के जो जो अच्छे डायपर इनको लगे उनके रिव्यू ये डालें। डायपर ही नहीं, जितने भी बेबी प्रोडक्ट होते हैं उन सब के रिव्यू धीरे धीरे करके डाला करें, ताकि लोगों को पता चल पाए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बिना उपयोग में लाए हुए। और बिना उपयोग किए हुए मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ। जितने भी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँगी, सबसे पहले अपनी बेबी पर अप्लाई करूँगी, उसके बाद ही आप सबके सामने उस प्रोडक्ट को रखूँगी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का सावधानी आपको भी रखना होगा कि किसी भी ऐरे गरे प्रोडक्ट का यूज आप भी नहीं करेंगी, क्योंकि अपने बेबी को भी उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगी, सबसे पहले वो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद करने के बाद आप रिव्यू देंगी। अच्छे में से भी अच्छा चुनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ। तो देखिए, हमारा बाबू है, इसका हमने अभी नाम नहीं रखा है। अभी फिलहाल मेरी मामी जी हैं, वो इसे नंदीश बुलाती हैं, लेकिन हमने कोई नाम नहीं रखा है इसका। आप सब भी नाम के लिए सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। सोमवार के दिन इसका जन्म हुआ है, नंदीश अर्थात नंदी के जो ईश्वर हैं भगवान शिव, ऐसा करके मेरी मामी जी ने रखा है। आप भी चाहें तो कुछ इसी प्रकार के सजेशन दे सकते हैं नामकरण के लिए, आपका स्वागत है उसमें। इसमें नियमित रूप से ब्लॉग प्रीति जी डालेंगी, मैं भी इसमें एक्टिव रहूँगा लेकिन कम रह पाऊँगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं। आप सभी के मुहूर्त वगैरह के ऑर्डर आए रहते हैं, उनको मुहूर्त बताना होता है, कोई कुंडली आई रहती है उनको कुंडली बताना होता है, हस्तरेखा बताना होता है, मेरे खुद के चैनल के वीडियो हैं। तो ऐसे में मैं कम एक्टिव रह पाऊंगा, लेकिन प्रीति जी इस पर भरपूर एक्टिव रहेंगी। मैं भी कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं पूरा ही एक्टिव रहने का कोशिश करूंगा। और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहने वाला है उसमें वो है ये बाबू, क्योंकि इसी का ये चैनल रहने वाला है। और गुरु जी, आप सभी के गुरु जी कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी इस चैनल पे। जब भी गुरु जी आपके काम करते रहेंगे मैं जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आपको जानने का हक है कि हमारा कार्य प्रणाली कैसे चलता है, आपके जो ऑर्डर्स आते हैं उसको हम किस प्रकार से करते हैं ताकि उसमें त्रुटि की संभावना बिल्कुल कम हो, तो ये आपको जानने का बिल्कुल हक है। जी, आप और कुछ बदलना चाहेंगे इसमें? अभी फिलहाल तो इतना ही। कल से नियमित रूप से हमारा ब्लॉग आएगा, तो हमारे ब्लॉग के में जितने भी वीडियोज आएंगे सबको देखिएगा आप लोग, और साथ ही साथ सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगी, रिव्यू करूंगी और सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हुए रहेंगे ताकि आप सभी के बेबी के लिए अच्छा हो। मैंने भी कुछ अभी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जो कि मुझे सही नहीं लगा, उसका सजेशन मैं आप सभी को कभी भी नहीं दूंगी। और जो जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे, लेकिन जो आपको सही नहीं लगा उसका भी आप रिव्यू डालेंगी, तभी लोगों को पता चल पाएगा कि वो प्रोडक्ट सही नहीं है। ठीक है, मैं वो सारे प्रोडक्ट भी बताऊंगी। कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो भी उसका रिव्यू होना चाहिए, और कोई अगर अच्छा नहीं लगा तो भी उसका रिव्यू होना चाहिए, तभी सही मायने में उस रिव्यू का मजा है। जी, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो के साथ मिलेंगे जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।